हेलो एवरीबॉडी, आई एम शीला गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू टीच क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था मून क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को डिस्कस किया था, बताया था। हाँ, अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे तो लिंक पर जाकर वीडियोज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, पहले आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द सन, द मून एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज इन द सेंस कि और जो भी कुछ आसमान में मौजूद है, शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो कि रात के समय क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है, ट्विंकलिंग करते हैं, कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। वो सब क्या कहे जाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। माय मींस सेलेस्टियल बॉडीज में सन भी आता है, मून भी आता है, जितने स्टार्स होते हैं वो भी आता है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें जो कि इस समय अंतरिक्ष में, ठीक है, आसमान में दिख रही होती है, वो क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक। आगे दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखिए, इन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। इसमें जो सबसे मेन हीट और लाइट होती है किसकी होती है, स्टार्स की होती है। स्टार की जो सबसे बड़ा स्टार्स है वो कौन सा है, सन है, ठीक है। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है। मीन्स इनके भी अपने सन के भी अपने हीट है, अपने लाइट्स हैं, क्योंकि हमें जो हीट मिलती है, लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है, सूर्य से ही मिलता है, सन से मिलता है। और इसमें क्या पड़ा होता है, गैसेस होती है इसमें, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में इसमें गैस पाई जाती है। आगे देखिए, अब स्टार्स भी क्या होता है कि स्टार्स भी जो सन है ये क्या है, एक स्टार ही है, ठीक। और इस स्टार के अलावा और बहुत से स्टार हैं जो कि आसमान में मौजूद है, बट वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सन ही एकमात्र ऐसा स्टार है जो कि पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशन। अब क्वेश्चन उठता है कॉन्स्टलेशन क्या होता है। देखिए, इसको हिंदी में तारा मंडल भी कहते हैं। आप लोग इलाहाबाद के हो, प्रयागराज के, शायद आप लोग अगर आनंद भवन गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा छोटा सा तारा मंडल वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, जो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको वो उसमें आपको चित्र के माध्यम से पूरा उसमें आप लोगों को बताया दे दिया है, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन समटाइम्स ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म डिफरेंट शेप एंड पैटर्न्स। देखिए, कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि स्टार्स का एक पैटर्न बन जाता है, एक फॉर्म बन जाता है, कैसा, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अलग अलग। आप कभी आसमान में भी देखोगे, रात में बैठना, चंद्रमा ना निकले हो, बस तारे निकले हो, आसमान बैठे तो आप देखिए कुछ डिजाइन ऐसे से बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो बियर टाइप का वो बना है, भालू जैसा लग रहा है, शेर जैसा लग रहा है, एक डिज़ाइन बनता है ना। तो जो डिज़ाइन बनता है, शेप बनता है, वही क्या होता है, कॉन्स्टलेशन, इसको क्या कहते हैं, तारा मंडल। आगे देखिए, कुल कितने कितने भागों में, कॉन्स्टलेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो कुल 88 कॉन्स्टलेशन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है, ये प्रकार नहीं है, इसको बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है, ठीक। इसमें कुछ हम आपको नाम बताएंगे, जैसे उर्सा मेजर हुआ, उर्सा माइनर हुआ, हरकुलस हुआ, ये क्या है, ये नाम है, ठीक है, किसके, तारा मंडल के। अभी आपने बुक में भी गौर करिए, अपने अगर बुक परचेस कर लिया हो आप तब तो देखोगे, अगर बुक परचेस किए हो तो आप पेज नंबर 69 ओपन करिए और यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये क्या, ये उर्सा मेजर है, या इसको डीप बियर भी कहते हैं। ये डायग्राम देखिए, और ये आप जब आसमान में रात में देखोगे ना, तो इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा, लेकिन कब देखना, जब चंद्रमा ना निकले हो, चंद्रमा जी निकलेंगे ना तो आपको कुछ देखिएगा नहीं, उनमें स्टार छुप जाएगा, भले चंद्रमा छोटे हैं लेकिन दिख छुप जाएंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्स दूर है और चंद्रमा पास में है, क्यों पास में है, क्योंकि वो हमारे अर्थ का मूवमेंट कर रहा है, ठीक। आगे अब देखिए, इसी कॉन्स्टलेशन में एक जो कॉन्स्टलेशन है वो कौन सा है, सप्त ऋषि। हमारे
ग्रंथों में कह लीजिए ये मिथ है जिसमें कहा जाता है कि सप्त ऋषि कौन होते हैं, यानी कि सात ऋषि जो थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत प्रेरित थे, तो उन्होंने तपस्या किया और भगवान ने उनको आसमान में जगह दे दिया, ऐसा मिथ है। मिथ अकॉर्डिंग टू हमारे उपनिषद और ग्रंथ के अनुसार, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सप्त मीन्स क्या होता है? सात, और ऋषि मतलब क्या होता है? साधु, यानी कि सात साधुओं का समूह जो है वो आसमान पे है, और कौन से किसमें है? वो है आपके उषा जल्दी सॉरी हाँ किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में क्या है? ये तारे हैं, यानी कि सात ऋषि हैं, और हर एक ऋषि क्या बन गया है? स्टार बन गया है, तो उस स्टार के समूह को ही क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं। आगे टॉपिक है आपका कोलरिज। देखिए इसको आप लोग अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो आप लोग विष्णु भगवान के मुंह पर देखे हो ना, उसमें ध्रुव, ध्रुव का नाम सुने हो ना? ध्रुव सुने हो? ध्रुव मतलब टीवी तो देखते हैं तुम लोगों को, वैसे ही पौराणिक कथा है, पसंद नहीं होगा तुम लोगों को, पसंद होगा शक्तिमान, ठीक है शक्तिमान देखो, लेकिन डोरेमोन देखना पसंद करोगे, भीम देखना पसंद करोगे, हैं, लेकिन पौराणिक चीज तुम देखोगे नहीं। अरे भाई ये सब भी देखा करिए, कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि हमारी इतिहास की चीज़ें क्या थी, कि कौन भगवान ने क्या है, ठीक है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है? कोलरिज मतलब ध्रुव, इनको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो आप जो ध्रुव तारा है ये किसमें पहले कैसे किसमें पाया जाता है? ये ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे चमकीला तारा माना जाता है। अच्छा, जब चंद्रमा ही निकले हों, मून निकला और रात में, तब भी आपको स्टार नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राइट करता है। अच्छा, ब्राइट किस दिशा में करता है? नॉर्थ में, और इसका एक अपना ही एक्चुअल पोजीशन है। बाकी जितने भी आप कॉन्स्टेलेशन देखोगे, सप्त ऋषि, चाहे उषा मेजर हुए, चाहे हरकुलस हुए, या उषा माइनर हुए, ये जो दिखते हैं ना, ये कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, कभी किसी और दिशा में दिखेंगे कभी किसी और दिशा में दिखेंगे, मतलब ये मूव करते रहते हैं इधर उधर। बट एक कोलरिज या ध्रुव तारा ही एकमात्र ऐसा तारा है जो कि ये अपनी जगह पे क्या है? पूरी तरह से स्टेबल है, मतलब वो इधर उधर नहीं घूमते हैं। अच्छा, इसी की वजह से लोग क्या किए? अपने समय के यूटिलाइज किए। देखिए आज तुम्हारे पास खड़े गए, हमने टाइम देखा, इस समय दोपहर के टाइम हो रहा है, और रात का समय भी हम घड़ी लगाएं तो हम जान पाते हैं कि ये टाइम हो रहा है। हमारे पास डायरेक्शन, दिशा का डायरेक्शन वाली घड़ी है, हम पूर्व दिशा में हैं पश्चिम दिशा में, ये भी जान लेते हैं। बट पहले के समय तो घड़ी नहीं हुआ करती थी, पहले के समय तो दिशाएं बताने वाली कोई मशीन नहीं थी, तो लोग जो समुद्र में यात्रा करते थे या जो लोग पैदल यात्रा करते थे उन्हें कैसे पता चलता था कि हाँ हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? भाई रात में तो नहीं पता चलेगा ना, दिन के समय समझ में आएगा, हाँ सूर्य पूरब से होगा, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। बट रात के समय कैसे पता चलेगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है? क्योंकि भाई सूर्य तो निकले नहीं हुए, तो पता कैसे चलेगा? सूर्य निकलने से पूरा मूव कर रहा है, बट हम अपनी बात बता रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? और जो नेविगेशन करते थे, जो समुद्री लोग यात्रा करते थे, उन्हें कैसे पता चलता था? तो एक फैक्ट था, और वो एक फैक्ट क्या था? कोलरिज या ध्रुव तारा, ये उत्तर दिशा में स्थित रहते थे। उन्हीं तारे को डायरेक्शन को देखकर कि हाँ इस दिशा में है, अच्छा ये उत्तर है, अगर ये उस साइड जा रहे हैं उत्तर मान लिया, अगर इस साइड पे दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि हाँ हम इस दिशा में जा रहे हैं, मतलब ध्रुव तारा की कंडीशन को देख के कि वो किस जगह स्टेबल है उसको देखकर ही जो वहाँ के पथिक रहते थे या जो रास्ते भी जाते थे वो अपने डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडीज की मीनिंग क्या है, इनके ये जो स्टार के ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें सन मून और जितने भी स्टार्स हो गए, हेवनली बॉडीज जो जो उसमें मौजूद, हेवनली बॉडीज मतलब इन सबसे मतलब है, कुछ और में समझ लेना कि स्वर्ग से अप्सराएं उतर के आ जाएंगे, हेवनली बॉडीज का मतलब ये है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है?
सेलेस्टियल बॉडी। हाँ, इसके अपने हीट होते हैं, अपनी लाइट्स होती है, ये गैसेस के गोले होते हैं, ये कोई पत्थर नहीं है कि पत्थर समझ लेना, ये गैसेस के गोले होते हैं, मतलब गोला होता है उसमें गैस भरा होता है, ठीक है। वो गैस हीलियम हो सकता है, वो गैस हाइड्रोजन हो सकता है, वो गैस ऑर्गन हो सकता है, और भी अदर गैसेस हो सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको ये सेलेस्टियल बॉडी समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टेलेशन क्या है, तारामंडल क्या है, मतलब तारों का जो समूह है, ठीक है, इसमें सब आते हैं, इसमें सिर्फ तारे आते हैं, ठीक है। कुल कितने डिवाइडेड है कॉन्स्टेलेशन, 88 डिवाइडेड है, कुल मिला के 88 भागों में डिवाइडेड है तारामंडल। मेजर जो है ये भी यू है, ठीक है, उसमें सप्तऋषि भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, मतलब ये सात तारे कहे जाते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओरियन या ध्रुव तारा, जिसको देखकर लोग अपने डायरेक्शन को डिसाइड करते थे और अपनी ट्रैवल करते थे, खासतौर से रात के समय। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। कल हम आप लोगों को नए वीडियो के साथ मिलेंगे, द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आपको बताऊंगी सन के बारे में, और कुछ और बताऊंगी, जैसे कुल कितने हमारे प्लैनेट हैं, एक प्लैनेट मैंने अर्थ के बारे में तो आप लोगों को बता दिया है, बट वीनस, यूरेनस, ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में मैंने अभी भी नहीं बताया। तो कल हम सोलर सिस्टम और द सन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।